हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मेरी छोटी लड़की खुशी कल अपने फ्रेंड के घर घूमने गई, तो जब वो वापस आई तो मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड पिनव्हील कुकी बना रही थी। तो मैंने उसको पूरा वॉच किया और जब टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा बना था, और उसने बोला नेक्स्ट डे कि मैं भी आज इसको बनाऊंगी। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसने बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फ्रेंड, हमने सोचा कि ये पिनव्हील के कुकी बनाए तो रहे हैं, उसकी शूटिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया एक मिक्सिंग बाउल। उसमें हमने डाला 1/4 कप बटर और 1/4 कप उसने डाला पीसी हुई शक्कर। फ्रेंड, क्या करेंगे, एक विस्कर लेके दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जब तक जो शक्कर है उसमें अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए तब तक उसको हमको मिक्स करने का है। शक्कर हमारी अच्छी तरह डिजोल्व हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1/8 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच हम डालेंगे दूध। अभी फिर से विस्कर लेके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, फिर विस्कर को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। अब आगे का काम हमको हाथों से करने का है। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए उसको हमको डो की फॉर्म में बनाने का है। फ्रेंड, हमारा डो बन रहा है, तब तक मेरी आपको प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस कीजिए, जैसे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हमारा डो अभी बन चुका है, अभी क्या करेंगे, इस डो से हम आधा आधा लोई तोड़ देंगे और एक को हम अच्छी तरह से फिर से हाथों से मसल के इसको हम एक लोई अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे। अभी फ्रेंड, एक लोई को हमने साइड कर दिया है और एक लोई में हमने डाला है 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच दूध। इन तीनों को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको भी अच्छी तरह से हम गूंथेंगे, जैसे कि जो भी हमने कोको पाउडर डाला है वो इसमें अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हमको हाथों से मसलते हुए उसको भी अच्छी तरह से ऐसे डो बनाने का। ये दोनों हमारे तैयार हो गए, अभी क्या करेंगे, एक चॉपिंग बोर्ड लेके ये लोई को हम दबाएंगे और रोलिंग पिन से, मतलब कि बेलन से इसको बेलेंगे और ओवल शेप में इसको हम बेलेंगे। अगर फ्रेंड साइड में क्रैक हो जाए तो हाथों से आप उसको थोड़ा सेट कर दीजिएगा। अभी दूसरे जो कोको पाउडर वाली लोई है उसको भी हम ओवल शेप में ही बेलेंगे। अभी दोनों को हमने बेल दिया है ओवल शेप में और एक ही साइज में हमको बेलने का है। जो व्हाइट वाली है उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसको हम रोल कर देंगे और 20 मिनट के लिए उसको हम फ्रीज करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड, 20 मिनट हो गए, हमने फ्रिज में से निकाल दिया है इसको, अभी हम 1/2 सेंटीमीटर के हिसाब से काटेंगे। अगर आपका थोड़ा सॉफ्ट हो और कट्टे का नहीं तो आप फ्रिज से क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए फ्रिज इसको कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कुकी हमने बनाई इतनी इजी थी, कोई बिगिनर भी उसको आराम से बना सकता है, इतना ही बनाने में इजी था और खाने में तो बहुत ही ये टेस्टी। अभी सभी को हमने काट लिया है, अभी क्या करेंगे, इस तरह से हम एक प्लेन प्लेट लेंगे, उसको हम तेल या घी से ग्रीस कर देंगे। फ्रेंड, तेल लगाने के बाद उसमें हम मैदा डाल के उसको हम छिड़क देंगे। अभी हमारी अच्छी तरह से थाली ग्रीस हो गई है, अभी जो हमने कटिंग कर दी थी वो उसमें हम रखते जाएंगे।
फ्रेंड्स, इधर गैस पे भी मैंने एक पैन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। अभी इस प्लेट को ढक्कन बंद करके बेक करेंगे तब तक जब तक हमारी कुकी रेडी हो जाए। फिर आधा घंटे के बाद हमने इसको निकाल दिया है। हमारे आधे घंटे में ये एकदम तैयार हो गई है। अभी क्या करेंगे, एक स्पेक्यूला लेके एक एक करके इसको चॉपिंग बोर्ड पे रखते जाएंगे। फ्रेंड, एक साथ हम रखेंगे तो वे टूट जाएगी, इसलिए आप एक एक करके ही निकालिएगा। और फ्रेंड देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में तो बहुत ही ये टेस्टी है और इतनी आसान है कि इसको बिगिनर्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से कुकी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।